नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त रिक्की मनीष आज फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हाजिर हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, नया चैनल जो भी ओपन करते हैं कि उनमें व्यू क्यों नहीं आता है, व्यू आने का आखिरकार रीज़न क्या है कि ताकि व्यू आए। अगर व्यू चैनल में आ जाए, व्यू अगर आता है चैनल में, तो जितना प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सब खत्म हो जाएगा। यूट्यूब में पता है आपको सब कुछ व्यू पर टिका है। अगर आपको जो YouTube पेमेंट करता है वो भी व्यू पे, YouTube में अगर आप नया चैनल ओपन किए हैं तो व्यू जब तक नहीं आएगा तब तक आपका जो सब्सक्राइबर है या मोनेटाइजेशन है या वॉच टाइम है कुछ भी नहीं बढ़ेगा। सारा खेल YouTube में सिर्फ और सिर्फ व्यू पे टिका है। व्यू ही इतना यूनिक चीज़ है कि व्यू अगर नहीं आ रहा तो फिर आपका यूट्यूब में सक्सेस होना बिल्कुल नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। व्यू लाने का आखिरकार रीज़न क्या है, कैसे हम व्यू बढ़ा सकते हैं, कैसे व्यू ला सकते हैं, किस प्रकार हम व्यू लाए नया चैनल में। अगर चैनल पुराना है, मोनेटाइज हो चुका है, किसी का भी चैनल मोनेटाइज है, उसमें तो व्यू ऑलरेडी आ जाता है, कुछ नहीं करने पे भी व्यू आता है, क्योंकि उसमें क्या है, चैनल पुराना हो गया, मोनेटाइज हो चुका है, फेस वैल्यू बन चुका है, व्यू आ जाता है। थोड़ा सा अगर टैग कम भी लगा उसमें तो व्यू आ जाएगा। लेकिन नया चैनल के साथ बहुत समस्या है। नया चैनल को यूट्यूब खुद रैंक करता है और देखता है कि हाँ ये कितना वीडियो पोस्ट कर रहा है। अगर आपका चैनल नया है और आप अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं है, उस पर कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहे हैं, आप गैपिंग कर रहे हैं, 4 दिन 5 दिन गैपिंग करके सोच रहे हैं कि हम वीडियो डालेंगे और ग्रो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम लेता है या फिर थोड़ा सा देखता है कि इस चैनल पर कितना वीडियो पोस्ट हो रहा है, ये चैनल जिसका है या आपका है वो मतलब अट्रैक्ट है कि नहीं, इस पर काम करने में के लिए मतलब प्रोत्साहित है कि नहीं, चैनल में काम सही से कर रहा है कि नहीं। अगर आप गैपिंग ज़्यादा रखते हैं तो चैनल ग्रो नहीं होता है। किसी भी बड़े क्रिएटर का अगर आप उठा करके देख लीजिए तो उसमें क्या है कि हाँ वीडियो प्रतिदिन पोस्ट होता है। वीडियो अगर पोस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सब्सक्राइबर जो है आपका वो डाउन हो जाएगा। सब कुछ इसी पे डिपेंड है। वीडियो कोशिश कीजिए कि अगर नया चैनल है, चैनल नया ओपन किया तो वीडियो डेली डालिए। हाँ ये श्योर है कि वीडियो डेली डालने पर भी व्यू नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूसली वीडियो डेली पोस्ट कीजिए, किसी भी समय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको बोलेंगे कि इस टाइमिंग पे वीडियो पोस्ट करने से वीडियो में व्यूज़ अच्छा आता है, सब्सक्राइबर अच्छा मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। किसी भी समय आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपका कंटेंट, आपका वीडियो अच्छा है, आपको सही चीज़ बता रहे हैं, आपका जो भी सब्सक्राइबर होगा, जो भी व्यूअर होगा, वो किसी भी समय आपके वीडियो को ज़रूर वॉच करेगा। अगर मुझे किसी का चैनल अगर अच्छा लगता है तो हम उसको किसी भी समय वॉच करके ज़रूर देख लेते हैं। ये कोई टाइमिंग नहीं कि हम 6 बजे ही देखेंगे या फिर 12 बजे देखेंगे, नहीं। कोशिश कीजिए कि अगर नया ओपन है तो उस पर हम लगातार वर्क करें, लगातार काम करें। हाँ व्यू आने का, व्यू लाएंगे कैसे, किस प्रकार व्यू बढ़ाएंगे, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जा करके मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है वहाँ पर, व्यू लाने का तरीका क्या है, व्यू कैसे इनक्रीज़ करें, सब्सक्राइबर किस तरह से हम ग्रो करेंगे, अपने चैनल को किस प्रकार इनक्रीज़ करते हैं, ये सारे वीडियो हम डाल चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर के देखिए, आपको पता चलेगा कि व्यू आएगा कैसे। क्योंकि जब तक अगर व्यू नहीं आता है वीडियो, तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर बड़ा क्रिएटर को भी अगर हम ले लें, किसी का भी चैनल आप ले लीजिए, मनोज डे हो या सौरभ जोशी, किसी का भी, व्यू सब कुछ व्यू पे है। अगर चैनल में व्यू नहीं आएगा तो फिर आप उसमें यूट्यूब पेमेंट भी नहीं करता है। चैनल में सब कुछ डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ एक व्यू पे, सारा खेल एक व्यू का है। आप अगर नया चैनल ओपन किया है तो उस पर फोकस रखिए कि हम लगातार वीडियो पोस्ट करें, व्यू नहीं आ रहा है तो एक समय के बाद व्यू भी आता है। आप लगातार अच्छा से अच्छा थंबनेल लगा करके उसको आप पोस्ट करते रहिए, डेली पोस्ट कीजिए, गैपिंग मत कीजिए, प्रतिदिन पोस्ट कीजिए, फिर देखिए कि आपको व्यू उस पर 100% मिलेगा। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो हमारे किसी, मैंने वीडियो बहुत सारा डाला है व्यू से रिलेटेड, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं कि व्यू कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे। तो आज हम यही चीज़ आप लोगों को बताने वाले थे कि अगर आप नया ओपन करते हैं चैनल तो उस पर आप लगातार मेहनत कीजिए, व्यू तो इंक्रीज़ होगा ही। चैनल ओपन करते के साथ कोई हो, बड़ा क्रिएटर में अगर हम देखें यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड तो मनोज डे है। मनोज डे में क्या है, वो भी स्टार्टिंग में जब आया तो लगातार वीडियो पोस्ट करने के बाद 1 साल के बाद तब जाकर के उसका वीडियो जो है ग्रो किया, और आज लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ वीडियो बहुत जल्दी ग्रो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समय लगा। मनोज डे का भी अगर आप पहले का वीडियो उठा करके देखें तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना मेहनत करने के बाद
मनोज डे का आज 4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसी तरह का यूट्यूब टिप्स लेने के लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें।